और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक करवा साहब। विवेक जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आज आपकी वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक क्या है? गुड आफ्टरनून। देखिए, आज मैं जो पिक लेके आया हूँ, पहली चीज तो आप दिमाग में ये रखिएगा कि आपको कम से कम 6 महीने से लेके 1 साल तक आपको इसको होल्ड करना होगा, क्योंकि बहुत ही कॉन्ट्रेरियन कॉल है ये। पर्टिकुलरली इस मार्केट में जब पूरा मार्केट थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है और ये स्टॉक एक्चुअली ओवरऑल नीचे गया हुआ है। अब नीचे के कारण जाने के कारण कई है। कंपनी अब क्या कर रही है, जो पेरेंट कंपनी है, ये कंपनी का नाम है वर्लपूल, जो पेरेंट कंपनी है वो आज एक ब्लॉक डील के साथ, मतलब ब्लॉक डील से उनका एक स्टेक बेचा है उन्होंने, जो 75% होल्डिंग था, करीबन 25 या 28% आज बेचा है। वो इसके लिए बेचा है कि कंपनी का डेट कम करने के लिए। अब देखिए, कंपनी व्हाइट गुड्स में है, ओवरऑल अंडर परफॉर्म किया है स्टॉक ने। मुझे लगता है कि जो मैनेजमेंट कर रही है वो एक सही डायरेक्शन में ही जा रहा है। अगर डेट कम होता है और यहाँ से, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी रिकवर हो रही है और भी, तो मुझे लगता है कि जो व्हाइट गुड्स है और कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस है, ये यहाँ से आपको ग्रोथ दिखा सकता है। तो डाउनसाइड इसमें बहुत कम दिखता है मेरे हिसाब से। आपको इसमें 1210 का स्टॉप लॉस, उसके नीचे अगर क्लोज होता है तो स्टॉप लॉस लगाइए, और अगले 6 महीने में हो सकता है कि 1500 रुपया जाइए एक बार ये आज ब्लॉक डील पूरा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद। और लंबे समय में आप अगर, मतलब 1 साल रखते हो थोड़ा लंबे समय के लिए, तो मुझे लगता है कि 1800 से लेके 1900 भी जा सकता है। तो ये एकदम ही कॉन्ट्रेरियन बेट है, स्लो एंड स्टडीली जाएगा, हो सके आपका पेशेंस भी टेस्ट करे, लेकिन यहाँ से डाउनसाइड बहुत मिनिमल है। ओके, थैंक यू विवेक आपका। तो ये कॉन्ट्रा कॉल है, लेकिन यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा बन रहा है। अब कुछ खबरों के चलते आज ये स्टॉक फोकस में भी है, बट रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया है। 1210 का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं स्टॉक में, और खरीदारी करके चलिए इस तरह से 1500 के लक्ष्य के लिए। विवेक जी, धन्यवाद आपका ये रणनीति और पूरा एनालिसिस हमारे लिए।